हेलो दोस्तों। तो दोस्तों मेरे सामने जो एलईडी टीवी रखा हुआ है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, एक बार डिस्प्ले आकर तुरंत बंद हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ चला के। तो मैं वहाँ पर चलाया तो इसको ज़रा ठीक से यहाँ पर लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर लगा लिया है हमने, तो इसका जो प्रॉब्लम है अभी देखने को मिलेगा। अभी तो देख सकते हो लाइट चला गया अभी आने। देखिए दोस्तों, एक बार आया तुरंत चला गया। तो यही दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो हमने यहाँ पर खोल लिया, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है दोस्तों। इसका जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम सामने दिख जाता है, तो यही इसमें सेम प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, इसका जो कैपेसिटर है बैक लाइट का, वो दोस्तों यहाँ पर फूल चुका है। तो यहाँ पर तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको यहाँ से खोल लेते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जल्दी से इसको यहाँ से खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर यहाँ से खोल लिया है, तो इसका जो कनेक्टर है वहाँ से खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटर क्यों फूला है। और देखिए दोस्तों, ये जो कैपेसिटर है यहाँ से खोल लेते हैं। इसका दोस्तों जो पीछे का साइड है यहाँ पर सेफ्टी के लिए लगा हुआ रहता है, तो इसको भी यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि इसके नीचे ही कैपेसिटर को सोल्डिंग किया हुआ है। तो यहाँ से हटा लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों हमने यहाँ से हटा लिया है और इसका जो सोल्डिंग है हटाते हैं जल्दी से और आपको दिखाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों, छोटा सा एक वीडियो है। तो यहाँ से हटा लेते हैं और हमने दोस्तों यहाँ से खोल लिया है और इसका जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है मेरे को 35 वोल्ट 330 UF। देखिए दोस्तों, तो यहाँ से हम दूसरा वाला कैपेसिटर यहाँ पर लगाएंगे, तो इसका जो वोल्टेज है 35 वोल्ट 470 UF। देखिए तो इसको यहाँ पर लगाने वाला हूँ मैं, तो जल्दी से यहाँ पर लगा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ टीवी को चालू करके। तो यहाँ पर हम लगा लिया है, तो दोस्तों यहाँ पर सोल्डिंग कर लेते हैं। जो दोस्तों मेन होगा, यानी कि जो दोस्तों दिखाने का काम होगा वही हम दिखाएंगे। जैसे कि इसमें है प्रॉब्लम, आपको दिखा दिया है, और जो बाकी का वीडियो है वो हमने कट कर दिया है, यानी कि काम का ही आपको दिखाएंगे, बाकी को कट कर देंगे। तो दोस्तों हमने दिखा दिया है काम का जो चीज़ है, और इसको जल्दी से यहाँ पर लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सभी कनेक्टर को भी यहाँ पर एक एक करके लगाना हो, जहाँ पर जो लगा हुआ था वहीं पर। तो यहाँ पर इसको चालू करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कनेक्टर को लगा दिया है और इसको टीवी को चालू करके दिखाते हैं। तो टीवी को यहाँ पर चालू करते हैं, आपको दिखाते हैं। साइड से गैस थोड़ा वेल्डिंग कर रहा है, तो ऐसा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये टीवी चालू हो चुका है और इसका पिक्चर भी आने वाला है। तो देखिए देखिए दोस्तों, ये जो पिक्चर है अभी बिल्कुल आ रहा है। देखिए ये भी मैं आ चुका है गाइस। तो पहले ये बंद हो जा रहा था, लेकिन अभी ये बंद नहीं हो रहा है। देखिए तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।